बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे MIS मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और वी सिंपली कॉल इट MIS। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड MIS। सो इट्स अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। What does it mean by MIS? MIS basically एक database है to systematically gather, store, analyze और उनको distribute करने का towards relevant managers। To help them to make their decisions. जो भी information हम collect करेंगे, relevant information will be collected, then उनको store किया जाएगा, analyze किया जाएगा, and finally distribute किया जाएगा उन लोगों के साथ जिनको उनकी जरूरत है। In other words, हम जो लोगों को organization के context में जिन लोगों को जो जरूरत होगी, हम we will be sharing that data with them. अब systematically ये सारी चीजें information को manage करने को हम क्या कहते हैं, MIS कहते हैं। अगर हम वो सारी information Excel में हम store कर रहे हैं, तो Excel हमारा MIS है। MS Excel जो है वो हमारा MIS है, Management Information System है, या Marketing Information System है। तो जो भी हम सिस्टम या सेटअप या डेटाबेस यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, दैट इज आवर MIS। अभी हमें सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें क्यों जरूरत है MIS की, या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमें क्यों जरूरत है, या ऑर्गेनाइजेशंस में MIS की क्या जरूरत है। तो इसका आंसर है भी बहुत जरूरत है। क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम डिसीजन कर रहे होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। कभी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, कभी बेच रहे होते हैं, कभी सेल कर रहे होते हैं, कभी मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट्स में की जा रही होती है। यही काम करते हैं ना, कि प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन कर ली, नई प्रोडक्ट डिजाइन कर ली, इंटायरली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, प्राइसिंग प्लेस प्रमोशन रिलेटेड डिसीजंस हैं। पता चले पहले हमारे फिजिकल आउटलेट थे, अब हमने ऑनलाइन अपनी सेलिंग शुरू कर दी है। प्राइसिंग में हम चेंज लेके आते हैं, हम प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, तो ये हमारे मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। तो बेसिकली हम इन मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस को अच्छे तरीके से करने के लिए, अप्रोप्रिएटली करने के लिए, इनको एरर फ्री बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और वो इंफॉर्मेशन कहां से आएंगी, वो इंफॉर्मेशन आएंगी हमारे MIS से। MIS बेसिकली वो एक डेटाबेस है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही होती है। फिर जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, दे कैन गो टू MIS एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही स्टोर नहीं है, तो फिर हम कैसे काम चलाएंगे, हमें कहां से इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमें MIS की बहुत जरूरत है, और ये दिस MIS विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। अब उसको भी कुछ लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कुछ कहते हैं ऑपरेशनल डिसीजंस, और ऑपरेशनल डिसीजंस मींस क्या है कि अच्छा सेल्स फोर्स को कैसे मॉनिटर करना है, आगे जो हमारे प्लांट पे काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अवेलेबल वर्क फोर्स काम कर रही है उनको कैसे मैनेज करना है, सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनके वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो करने वाले लोग हैं उनको कैसे मैनेज करना है, तो कुछ इन्वेंट्री को बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, कैसे मैनेज करना है कि चीज़ें टाइम पे अवेलेबल हों, तो लाइक कुछ चीज़ें होती हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो वो कहते हैं कि MIS हमें ऑपरेशनल
डिसीजंस में भी हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ होते हैं टैक्टिकल डिसीजंस दैट इज सेकंड इन नेचर, उसे हम मार्केटिंग में एक्सप्लेनिंग कर लें, प्राइसिंग में चेंजेस का को कंसीडर कर लें, लाइक उसमें हम प्लेसिंग डिसीजंस कर लें, प्रमोशनल डिसीजन संभव हमारे हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, इवन सम डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो ये हमारे क्या हैं, दीज आर टैक्टिकल डिसीजंस संभव। कुछ डिसीजंस होते हैं दे आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर, मतलब नई प्रोडक्ट का लॉन्च करना, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट का लॉन्च करना, मर्जर्स, एक्विजिशंस, टॉप लेवल जो काइंड ऑफ डिसीजंस हैं, तो दे आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो पीपल कैटेगराइज दीज डिसीजंस इनटू स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टैक्टिकल डिसीजंस एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। तो बेसिकली हम इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो रिसर्च है या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमें हेल्प करेगी इन 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 मेकिंग स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी मार्केटिंग मिक्स डिसीजन करने में हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि MIS हमारी किन एरिया में हेल्प करेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन आएंगी कहाँ से। भाई इन्फॉर्मेशन आएंगी मार्केटिंग इन्वायरमेंट से। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट हम क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक तो ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल टू द कंपनी, जिसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, उसके लिए जो फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी के लिए, वी यूज पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, कल्चरल, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हम बेसिकली इन फैक्टर्स को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हैं उनको भी स्टडी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, लॉज में क्या चेंजेज आए हैं, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स में क्या चेंज आया है, और सोशल कल्चरल क्या चेंज है, टेक्नोलॉजिकल क्या चेंजेस आई हैं, और इसी तरह लाइक सोशल कल्चरल क्या चेंजेस हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें, अपनी प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें। तो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना होगा, तो स्कैनिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके साथ एक मैक्रो इन्वायरमेंट भी होती है, माइक्रो इन्वायरमेंट के वो तमाम एलिमेंट्स और स्टेक होल्डर जो कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो कौन है, कस्टमर कर रहा होता है, सप्लायर कर रहा होता है, बायर कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कर रही होती है, NGOs हैं। तो ये कुछ माइक्रो इन्वायरमेंट है जिस जो कंपनी के साथ डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उनको भी स्कैनिंग करनी है। इट मीन्स कि हमने स्कैन करनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, जिसे हम मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं, हमने माइक्रो इन्वायरमेंट की भी स्कैनिंग करनी है, जिसमें एलिमेंट कौन से, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, अदर स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमने उनको भी स्टडी करना है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनकी क्या जरूरियात हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या डिमांड कर रहा है, कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, सप्लायर की क्या सिचुएशन है, तो लाइक We need to understand that कि उनमें क्या चेंज चल रहा है, और हमने उन सारी चीजों को लिंक करना है अपने बिजनेस से, हमारी अपनी प्रोडक्ट से, कि अच्छा ये कैसे हमें इंपैक्ट कर सकती हैं, हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो उस चीज को देखना है। फिर एक और चीज, हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को भी हमने देखना है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या है कि हमारी सेल्स कितनी होगी, हमने मटेरियल कितना बाय किया, कितना यूज कर लिया, प्रोडक्ट्स कितनी मैन्युफैक्चर की, हमने कितनी पैकेजिंग कर ली, कितनी सेल्स फोर्स में सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, इन्वेंट्री हमारी कितनी है, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी कैसी है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, हमारी लेवल कैसा है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कैसे, कुछ ये हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी हैं। तो इट मीन्स MIS में ये तीनों इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी, ये तीनों ग्रुप्स जो है, इट मीन्स कि तीनों ग्रुप हमने क्या क्रिएट किए, पहले हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फिर हमने कहा कि माइक्रो इन्वायरमेंट की भी हमने स्कैनिंग करनी है, फिर हमने इंटरनल इन्वायरमेंट की भी स्कैनिंग करनी। तो जब हम इन तीनों इन्वायरमेंट की जो स्कैनिंग करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, वी हैव टू स्टोर इन MIS, वो MIS में स्टोर होनी चाहिए, वो सिस्टमैटिकली स्टोर होनी चाहिए। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक वे में हमने कलेक्ट करना है, फिर उनको स्टोर भी करें, एनालाइज भी करें, और फिर एनालाइज करने के बाद
ये बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का, ये MIS का काम होगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके, मसलन कोई नई प्रोडक्ट की डिमांड आई है तो वो हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये बताएं कि भाई ये लोग इस तरह की नई प्रोडक्ट, ये फीचर डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो उसकी अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सके। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका प्रोडक्ट का डिज़ाइन डिसाइड करे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसके प्रोडक्ट के फीचर और एट्रीब्यूट जो भी डिसाइड करने हैं वो डिसाइड उनको करें, जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है मीन टू से, तो वो डिसीजन करें। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आएंगी वी विल मेंटेन इन MIS। अगर हमारे पास MIS ही नहीं है तो हम ये इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब स्टोर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम, जब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी या नीड होगी, तो देन हम कैसे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो डेफिनेटली हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है, तो इट मींस अब हमने ये देख लिया कि इन्फॉर्मेशन आएंगी कहाँ से और वो स्टोर किधर होगी, और MIS को हमने ये दी, जो पूरा जो प्रोसेस है ना बेसिकली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसको स्टोर करना, एनालाइज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना रेलिवेंट लोगों को, दैट इज MIS। अब हमने ये देख लिया कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या है, इट्स मीन मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इनसे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको अपने MIS में स्टोर कर लेंगे, तो उसके बाद हम उसको यूज करेंगे और वो हमें हेल्प, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ली, ये सारी इन्फॉर्मेशन MIS में हम स्टोर करेंगे उस सिस्टम में। अब ये जो MIS है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इट विल हेल्प अस। MIS बजाते खुद कुछ नहीं है, बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है दे आर वैल्यूएबल, ये हमारी हेल्प करेंगी मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस में। वो जो हमने 3 डिसीजंस कहा है कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस, सो दिस विल हेल्प अस आउट इन मेकिंग दीज 3 काइंड्स ऑफ डिसीजंस। अच्छा, इसमें मार्केटिंग रिसर्च की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब तक हम रिसर्च नहीं कर लेंगे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती। MIS में इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ से करेंगे जब तक हम रिसर्च ही नहीं करेंगे? तो वी हैव टू बी वेरी गुड इन रिसर्च, तो रिसर्च में हमें बहुत अच्छा होना चाहिए। जब रिसर्च में हम बहुत अच्छा होंगे तो फिर शायद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएंगी, फिर MIS की भी वर्थ बनेगी। अब इन्फॉर्मेशन सर्च कहां से करनी है? इन्फॉर्मेशन इन्हीं 3 सोर्सेज जो मैंने बता दी, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के हैं, और मार्केटिंग इन्वायरमेंट में मैंने 3 एलिमेंट्स बताए, इंटरनल इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये तीनों इन्वायरमेंट हमारे, इनकी हम सर्च करेंगे, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में से हमने ये इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करनी, उसके लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगी। और मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है? मार्केटिंग रिसर्च भी सिस्टमैटिकली डेटा को, प्रॉब्लम को जानना, इन्फॉर्मेशन नीड को डिटरमिन करना, फिर उस इन्फॉर्मेशन को रेलिवेंट लोगों से कलेक्ट करना, देन उसको अप्रोप्रिएट मेथड से एनालाइज करना, एंड फाइनली रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्म में रेलिवेंट लोगों को, कंसर्न लोगों को हैंड ओवर कर देना, ये मार्केटिंग रिसर्च है। अभी ये प्रोसेस क्या है, इसको कुछ लोग प्रोसेस का नाम देते हैं, कुछ इसको डेफिनेशन का नाम देते हैं, वट एवर। तो हम, मैं इसको सिंपल वे में आपको बता देता हूं कि मार्केटिंग रिसर्च है क्या। भाई सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, जिसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मसलन एक मरीज है, वो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को क्या बताता है? डॉक्टर को ये थोड़ा होता है बताता है कि मेरा लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है जी, या मुझे कैंसर है जी, या मुझे कोई मेरा जनाब स्टमक इशू है, वो ये नहीं बताएगा। वो हार्ट का इशू मुझे कहेगा कि अच्छा जी, ये नहीं कहेगा मेरा जी हार्ट में इशू है। पेशेंट जाके डॉक्टर को अपनी सिम्टम्स बताएगा, सिम्टम्स बताएगा, अच्छा जी मुझे चला नहीं जा रहा, मेरे लेफ्ट साइड पे पेन है, मेरे बाजू स्ट्रेच हो रहा है, मेरे मेरे लेफ्ट आर्म में पेन है, लाइक ही विल टेल द सिम्टम्स। बॉडी में तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, डॉक्टर क्या करेगा उन सिम्टम्स की बेसिस पे? डॉक्टर क्या देखेगा? डॉक्टर कहेगा अच्छा यार इसके कुछ से लेफ्ट पार्ट पे प्रॉब्लम है, तो हो सकता है हार्ट का इशू। तो डॉक्टर उसके जो भी रेलेवेंट टेस्ट है, डॉक्टर कहेगा अच्छा ये रेलेवेंट टेस्ट आप कंडक्ट करवा के आओ, फिर मुझे मिलो। अब डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने सिम्टम्स जानी, सिम्टम की बेसिस पे डॉक्टर ने एक माइंड में एक स्केच बना लिया कि इसे यार कुछ हार्ट का इशू है। फिर हार्ट के इशू को जानने के लिए उसने जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया, उसने कुछ टेस्ट रिकमेंड कर दिए हार्ट के की फंक्शनिंग को डिटरमाइन करने के। वो हमारे टेस्ट है, वो हमारा डेटा कलेक्शन कर रहा है, वो डेटा जब हो गया आएगा, टेस्ट होके आएंगे, तो डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखेगा और उसके रिपोर्ट्स के बाद वो बता देगा अच्छा जी आपको हार्ट का ये प्रॉब्लम है, उसके बाद वो उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी इसमें देखें, वो जो सिम्टम्स थी, सिम्टम की बेसिस पे उसने एक MDP बना लिया। MDP मींस उसने मैनेजमेंट का कि इस बंदे का ये प्रॉब्लम है।
उस प्रॉब्लम को उसने कहा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसने रेलिवेंट, उसने कहा कि अच्छा यार इसे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसने हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। फिर इन्फॉर्मेशन जैसे ही आई तो उसको एनालिसिस करने के बाद उसने कहा कि अच्छा यार इसको ना ये प्रॉब्लम है, इसे हार्ट का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यही मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है, यही रिसर्च प्रोसेस है। कंपनीज में भी ऐसे ही होता है कि कंपनी की सेल्स कम हो रही होंगी। अब सेल्स क्यों कम हो रही, अब प्रॉब्लम सेल्स का कम होना नहीं है, प्रॉब्लम उसके पीछे कुछ और होगा कि हो सकता है सेल्स फोर्स सही काम ना कर रही हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो, प्रोडक्ट ठीक ना हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, उसकी प्राइस ज्यादा हो, उसकी प्रमोशन सही ना हो रही हो, तो देर आर मेनी इश्यूज जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही। अब सेल्स कम होना तो आउटकम है ना, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ना हो, मार्केटिंग सही ना हो रही हो, सेल्स फोर्स सही काम ना कर रही हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर मीन उन लोगों तक पहुंच ही ना रही हो, तो दिस कुड बी द प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो आपने कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स का ठीक है, सिम्टम्स क्या करेंगे कि हमें क्या हो सकती है कि उनकी एनुअल रिपोर्ट से देखो कि अच्छा सेल्स कम हो रही है, अच्छा सेल्स कम हो रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी बीमार है थोड़ी बहुत ही, सेल्स कम हो रही है या कुछ जो भी सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम की बेसिस पे हम ये डिटरमिन कर लेंगे अच्छा कंपनी का ना ये प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक ना तो मसलन हमें कुछ मैनेजर से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो हमें पता चला यार क्वालिटी ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा इसकी प्राइसिंग भी ठीक नहीं। तो हमें तीन सिम्टम्स मिल गई, हमें थ्री इश्यूज मिल गए कि अच्छा या तो इसकी क्वालिटी खराब है, या इसकी कोई प्राइसिंग ठीक नहीं है, या इसकी थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं। तो हमने कहा कि कंपनी के ये तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये कंपनी के प्रॉब्लम, अब इसी के रिगार्डिंग अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अब उन प्रॉब्लम की बेसिस पे हम ये ना फर्म बिलीव ना कर लेंगे बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, अब उस पे हमें रिसर्च करनी है और इसको जानने की जरूरत है कि क्या ये वाकई ही ये तीनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं या तीनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, रिसर्च बनाएंगे कि हम रिसर्च करेंगे कि कस्टमर क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्वालिटी के बारे में कैसा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइसेस के बारे में कैसा है, कस्टमर की ओपिनियन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसी है। हम कस्टमर की ओपिनियन लेंगे, इट मींस हमने आगे रिसर्च क्या डिसाइड की, हमने इंफॉर्मेशन ये हमने ये डिसाइड प्लान किया एज ए रिसर्चर कि हम कस्टमर से इन तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं क्वेश्चनर पे लिख के हम कस्टमर को कहेंगे अच्छा यार ये इन्फॉर्मेशन दे दें हमें, वो क्वेश्चनर फिल कर देंगे। वो इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम फिल करेंगे और डेट उस क्वेश्चनर को हम आएंगे, उस डेटा को हम एंटर करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रेट करने के बाद हम बता देंगे, ये बताएंगे अच्छा ये वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है। हमारे पास तीन प्रॉब्लम से हमने शुरू किया कि ये तीनों प्रॉब्लम हो सकते हैं। पता चले जब डेटा को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ना तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, ना ही प्रमोशन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ है प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट की क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग बाय नहीं कर रहे, सेल्स कम हो रही है। तो अब हम कंसर्न डिपार्टमेंट को ये बता दें कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी से लोग खुश नहीं है, तो लिहाजा आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कर लें। अब ये जो सारी प्रोसेस है कि हमने पहले सिम्टम जानी, उससे हमने कंपनी का प्रॉब्लम जाना, फिर उसके बाद हमने रिसर्च क्वेश्चन सेट किए कि अच्छा हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, फिर हमने डेटा इकट्ठा किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसको इंटरप्रेट किया, फिर हमने एक रिपोर्ट की फॉर्म में बनाया और हमने कंसर्न आदमी को बता दिया कि आपका प्रॉब्लम ये है, कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आपको इस पे इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। ये जो सारा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग रिसर्च। ये पूरा मार्केटिंग एक मॉड्यूल है मार्केटिंग रिसर्च का, या बिजनेस रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग का, कि जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसके हर एक स्टेप पे अच्छा प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्वेश्चनर कैसे बनानी है, मार्केटिंग रिसर्च क्वेश्चन कैसे एस्टैब्लिश करना है, डेटा को एनालिसिस कैसे करना है, लाइक दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो वो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है और वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लाइक आपको मेरे ख्याल में रिसर्च प्रोसेस भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इस रिसर्च प्रोसेस के जरिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती जाएंगी वी विल स्टोर इनटू MIS, और MIS से फिर हम रेलिवेंट लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, या रेलिवेंट लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमने हमारे साथ शेयर कर ले। तो इस तरह MIS जो डिपार्टमेंट है उनके साथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेगा। तो इस तरह वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट डिसीजन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आपने MIS की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, और हमने ये भी देख लिया कि ये कैसे मार्केटिंग डिसीजन करने में हमारी हेल्प करती है। तो थैंक यू वेरी मच। Keep watching EBE Forum.